केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधि भी होंगे। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार ने एमएसपी पर जो कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जरूरी होता है वो जारी कर दिया है और सरकार ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने के बाद उन्हें कमेटी में जोड़ा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे और केंद्र सरकार ने एमएसपी पर इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सरकार का कहना है कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 3 नाम आ जाते हैं उन्हें कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त जो ये बड़ी खबर आ रही है ये एक तरह से वो वादा पूरा कर रही है सरकार जो किया गया था आंदोलन के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था तब सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था और आज मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार ने इस बात की घोषणा की है, कमेटी का गठन किया है और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कमेटी जो बनी है, संजय अग्रवाल जो कृषि सचिव रहे हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है। इसमें 2 सदस्य नीति आयोग से होंगे, दूसरा नाम नीति आयोग से जो है नीति आयोग कृषि श्री रमेश चंद ये सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें कृषि अर्थशास्त्री भी रखे गए हैं, CSC शेखर जो भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है डॉक्टर सुखपाल का जो IIM अहमदाबाद से हैं, तो ये लोग कमेटी में। इसके अलावा चौथे नंबर पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान श्री भारत भूषण शास्त्री है। इसके अलावा 5वें नंबर पर किसानों के प्रतिनिधियों के इसमें नाम है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा से 3 सदस्य जो नाम दिए जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वो इस कमेटी में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें अन्य किसान संगठनों के सदस्य हैं, श्री गुणवंत पाटिल हैं इसमें, श्री कृष्णवीर चौधरी हैं, श्री प्रमोद कुमार चौधरी हैं, श्री गुणी प्रकाश हैं और श्री सैयद पाशा पटेल हैं। इसके अलावा देखिये किसान सहकारिता समूह के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं इसमें, श्री दिलीप संघानी चेयरमैन IFFCO ये भी इस कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण कमेटी है जो ना सिर्फ MSP पर विचार करेगी बल्कि जीरो बजट आधारित कृषि किसान कैसे करेंगे और कई मुद्दों पर ये कमेटी विचार विमर्श करेगी। इसलिए ब्रह्म प्रकाश, ये बहुत बड़ी मांग थी किसान आंदोलन के दौरान जो सामने रखी गई थी सरकार के, तो अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कमेटी में बाकी सदस्यों के नाम आ गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कौन हो सकते हैं उनके प्रतिनिधि? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा, चूंकि अभी कुछ देर पहले ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दी अपने दर्शकों को कि जो किसानों की मांग थी वो सरकार ने पूरी की है और एमएसपी पर समिति का गठन किया है, कमेटी का गठन किया है। लिहाजा कुछ देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नाम सामने आएंगे, बैठक करेंगे और कुछ नामों का सुझाव देंगे, क्योंकि 40 अलग अलग संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा में, तो अब वो 3 नाम कौन से तय करते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले इसी बात पर झगड़ा होता था संयुक्त किसान मोर्चा में कि 3 या 5 नाम वो तय नहीं कर पाते थे। तो बड़ी बात यह है कि क्या आप वो 3 नाम दे पाएंगे 40 संगठनों में से, ये बड़ा सवाल है, और किन के नाम देते हैं उनको सरकार कमेटी में शामिल करेगी। चलिए ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे, सबसे पहले ये खबर आपने जी न्यूज पर ब्रेक की और लगातार इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एमएसपी पर जो कमेटी है उसके गठन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इंतजार अब बस ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा भी अपने 3 प्रतिनिधियों का नाम ऐलान करे उनका।